नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मैं आपके सामने एक ट्यूटोरियल, मेरा पहला जो ट्यूटोरियल आपने देखा है कि NSDL ने अभी एक ऑनलाइन सबमिशन फैक्टा करके एक फॉर्म जारी किया है, जिसको एक जुलाई 2014 के बाद जिनकी पॉजिटिव हुई है या जिनका इनके बाद में प्राण जनरेट हुआ है तो उनको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, उनको फिलअप करना ज़रूरी है। उसमें डेट भी उसने डिक्लेयर कर दी है कि सब्सक्राइबर इस रजिस्टर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2014 एंड आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड ऑफ सबमिट फैक्टा सर्टिफिकेट। तो उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि 1 जुलाई 2014 के बाद की जिनकी पोस्टिंग हुई है, पोस्टिंग का मतलब ये है कि आपकी पोस्टिंग, लेकिन भले आपकी पोस्टिंग 2012 की हुई है, अभी कुछ कन्फ्यूज़न यहाँ पर पैदा हो रहा है कि कुछ साथियों ने अभी मेरे को फ़ोन दो दिन से फ़ोन कर रहे हैं कि मतलब इसमें कन्फ्यूज़न ये हो रहे हैं कि जैसे आपकी पोस्टिंग 2012 की है तो, लेकिन आपका प्राण किस तारीख को जनरेट हुआ। अगर आपका प्राण इस जुलाई की जो तारीख है उसके पहले जनरेट हुआ है तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका प्राण भी जनरेट एक भले 12 या 13 की पोस्टिंग हो, मान लो 11 की पोस्टिंग हो, लेकिन जुलाई 2014 के बाद अगर आपका प्राण जनरेट हुआ है तो इस आर मैंडेटरी आपके लिए भी ज़रूरी है। तो इसको अपन देखते हैं, वो तो आपके जो लिफाफा आया है, प्राण किट का लिफाफा आया है, उसमें प्राण जनरेट होने की डेट भी आई है, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आया है जो 17 डिजिट का होता है, उसके बाद में एक PRN नंबर होता है, जो PRN मतलब परमानेंट रिटायरमेंट नंबर होता है, उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है उसके, तो वो सारी चीज़ें और प्राण जनरेट की जो डेट होती है वो उस लिफाफे में, जो वाइट आपके पास में एक प्राण किट करके पूरा लिफाफा आया है, उसमें आपका जो छोटा सा कार्ड है जैसे ATM की तरह होता है, वो प्राण नंबर 12 डिजिट का उस पर लिखा हुआ था, आपके साइन है, आपकी फ़ोटो है, और तो उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट नंबर और जो उसके बाद में जो डेट होती है उसमें लिखी हुई है। तो अपन को ये देखना है कि मेरी पोस्टिंग भले कब की भी हो, लेकिन मेरा प्राण किस तारीख को, अगर इस तारीख से बाद हुआ हो, आफ्टर हुआ हो, तो अब ये उन कैंडिडेट्स के लिए इसका रजिस्ट्रेशन फैक्टा का करना ज़रूरी है। तो मेरा पहले वाला ट्यूटोरियल आपने देखा ही है कि इसको किस तरीके से ऑनलाइन किया जाता है, ये तो केवल कुछ साथियों की कहने पर मैंने कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जनरेट डेट मतलब जो होती है वो जनरेट डेट किस दिन जनरेट हुआ। पहले ये NPS में चलता था, NPS के बाद में इसको 2009 में ये NSDL में ट्रांसफ़र हुआ। तो NPS के सारे डाटा जो थे इसके वो NSDL में कन्वर्ट हो गए और NSDL ने 2011 से इसको जनरेट प्राण जनरेट किए। सिंपल सा तरीका है, अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, जब भी अपनी बैंक में डायरी लेके जाते हैं तो एंट्री होती है। तो अपना मित्रों इसमें ये है कि भले 2005 की पोस्टिंग हो लेकिन आपका प्राण 2011 में जनरेट हुआ है सपोज़, तो वो जनरेट डेट होती है। तो आइए अपन देखते हैं कि जनरेट डेट मतलब किस किस की है, वो तो उसमें आपके लिखा हुआ भी है, आपके पास में लिखा पाया है, तो आपको तो केवल इतना ही देखना है कि मेरी अगर जनरेट प्राण जनरेट 1 जुलाई 2014 के बाद हुआ है तो ये भरना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, आइए अपन देखते हैं कि जनरेट डेट को। हाँ तो मित्रों, आपके पास में जो लिफाफा आया है उसमें सारी चीज़ें शो कर रहा है, जो लिफाफे में जो कागज़ है सफ़ेद कागज़ है, उसमें एक कार्ड भी आया है, उसमें जो प्राण किट का जो कार्ड आता है आपके, जिसमें ATM के टाइप का कार्ड आता है, और इसमें ये सारी चीज़ें बता रहा है कि जैसे उसमें सबसे ऊपर तो आपके ये PRN नंबर भी लिखा हुआ है उस लिफाफे में, आप ये 15 डिजिट का नंबर होता है, उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट ID लिखी हुई है 17 डिजिट की, ये नंबर लिखा हुआ है, इसके बाद में परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो प्राण नंबर जिसको बोलते हैं वो भी लिखा हुआ है, और ये PPN नंबर जो होता है वो होता है आपकी NCPF ID के नाम से है ये, और यहाँ पर ये नेम कैंडिडेट फादर नेम, और यहाँ पर जो आता है वो जो मेन चीज़ होती है वो जनरेट डेट होती है, जिसको मतलब यही कन्फ्यूज़न और वैसे इसको कन्फ्यूज़न भी नहीं कह सकते हैं, खुद सेटिस्फेक्शन होना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है, मतलब ये जो चीज़ आ रही है तो इसको अपन देख आसानी से सकते हैं कि मेरी प्राण जनरेट किस तारीख को हुआ। भले अपनी पोस्टिंग मान लो जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पर 2005 वाले की पोस्टिंग मान लो देख लेते हैं, आपकी पोस्टिंग 2005 की है लेकिन प्राण जनरेट कब हुआ, जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं उदाहरण 2005 का ले लेते हैं अपन,
जैसे यहाँ पर ये 22/5/2005 की इनकी ज्वाइनिंग है सर की, लेकिन यहाँ पर उनका प्राण कब जनरेट हुआ? 22 जून 2011, यानी कि 6 और 5 11, यानी कि 6 साल का अंतर। 6 साल का अंतर तो ये हो गया एज ए फॉर, मतलब पोस्टिंग यहाँ की है तो 2005 पहले 5 से ही मतलब पैसा कटना शुरू हो जाता था, लेकिन अब 2 साल फिक्सेशन होने के बाद कटता है। तो मान लिया अपने 2011 में प्राण जनरेट हुआ, तो 2011 से NSDL के पास में रिकॉर्ड आना आपका जमा होना, जैसे कंट्रीब्यूशन अपना 10% कटता है अपनी सैलरी से कटता है और 10% अपने NSDL अपने अकाउंट में जमा करवाता है, तो वो दोनों की जमा होना कब शुरू हुआ? 22 जून से हुआ। तो इसमें क्लियर होने वाली बात यही है कि आपका जो लिफाफा आया है उसमें प्राण जनरेट की डेट लिखी हुई है, उस डेट के मुताबिक फैक्टा जो है वो अपन को सबमिट करना है। उसके बाद में अपन दूसरा उदाहरण 2008 का भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2008 की पोस्टिंग भी है यहाँ पर। तो 2008 में अपन देखते हैं कि जैसे 1/10/2008 को, 1/10/2008 को पोस्टिंग हुई यानी कि अक्टूबर से, तो अक्टूबर दे नवंबर, उसके बाद में 2010 से यहाँ कटना शुरू हो जाना था, नवंबर 2010 से यहाँ पर कटना शुरू हो जाना था, लेकिन इनकी कटौती यहाँ पर 22/6/2011 को कटना जमा हुआ, मतलब कट तो रहा था पैसा इनके अकाउंट से, तो सैलरी से तो कट गया है, लेकिन इनके जमा होना प्राण जनरेट हुआ 22/6/2011 को। तो इस तरीके से मतलब इसमें क्लियर होने वाली बात यही है आपके लिफाफे में जो आया है, जो डेट आई है उसके मुताबिक आप आसानी से इसको फैक्टा को सबमिट कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने ट्यूटोरियल इसीलिए जारी किया, मेरा पहला वाला में सारी चीज़ क्लियर है, लेकिन एक ये जो चीज़ क्लियर नहीं थी कुछ साथियों ने भी फ़ोन किया, तो इसलिए मैंने ये जारी कर दिया इसमें जनरेट डेट के बारे में। तो सेल्फ डिसीजन है ये, और अपने लिफाफे में जो डेट आई है प्राण जनरेट डेट की वो आसानी से देख के और अपना इसको आसानी से अपनी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं इसको। तो 2012 की भी अगर आपकी पोस्टिंग है और मान लो 14 में प्राण जनरेट हुआ है और वो भी आफ्टर मतलब 1 जुलाई 2014 के बाद हुआ है, तो इस मैंडेटरी। एंड मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, अभी तक किया नहीं होगा आपने, और थैंक